हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो गेम दिखाने वाला वो खेली गई थी नॉर्वे में 2017 में। खेलने वाले खिलाड़ी थे विश्वनाथन और मैग्नस कार्लसन। आनंद जी ने गेम की शुरुआत की E4 के साथ, रिप्लाई दिया E5, तो नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, देन नाइट F6, D4, E takes D4, नाइट टेक्स B4, नाइट टेक्स डी फोर एंड क्वीन टेक्स डी फोर। इस तरह से आनंद जी पॉन को रिकवर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पोजीशन के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और कैसल कर ली। और उसके बाद मैग्नस कार्लसन जी ने खेला बिशप C5, इस पॉन को सपोर्ट दिया। ये यूजुअली बहुत अच्छा आइडिया है नहीं, लेकिन मैग्नस कार्लसन जी ने खेला। देन E5 अटैकिंग द नाइट, इस नाइट को वहां से रिमूव किया। मैग्नस कार्लसन ने बिशप के ऊपर अटैक किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइट को कैप्चर किया। मैग्नस कार्लसन ने इस बिशप को कैप्चर किया। इस पोजीशन के ऊपर उन्होंने खेला रुक E1 चेक। इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक के पास एक चांस था, बिशप को E6 के ऊपर लेकर जाते और गेम स्टिल इक्वल है क्योंकि व्हाइट का कैसल का राइट रहता। लेकिन इस पोजीशन के ऊपर उन्होंने किंग को मूव किया और उसके बाद उनका कैसल का राइट चला गया। और उन्होंने बहुत ज़्यादा गेम गेम के ऊपर प्रेशर बनाने की ट्राई की और उन्होंने खेला नाइट G5। इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक कुछ भी नहीं करता, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ चेक ब्लैक की क्वीन जा सकती थी, इसलिए उन्होंने खेला इस पॉन को कैप्चर किया। बिशप F6 चेक, किंग G8, नाइट C6। इस क्वेश्चन के ऊपर आपको लग रहा होगा कि आनंद जी ने इस नाइट को सेक्रीफाइस किया, लेकिन ब्लैक इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कुछ इस तरह से अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्चर किया जाए आफ्टर क्वीन टेक्स नाइट टेक्स रुक E8 चेक एंड मेट, उन्होंने अपने नाइट को रिमूव किया यहाँ से। इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक के पास और एक चांस था, बिशप को यहाँ पर लेकर जाते और एक सपोर्ट बढ़ाते, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर उन्होंने बिशप को सपोर्ट किया। ये भी एक गलती साबित हुई। उसके बाद देन E3, नाइट E5, नाइट को एक्सचेंज करने की ट्राई की और गेम का प्रेशर रिड्यूस करने की ट्राई की, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर आनंद जी ने अपना क्वीन सेक्रीफाइस दे दी। मैग्नस कार्लसन जी ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। देन नाइट D7, इस पोजीशन के ऊपर आप इस नाइट को कैप्चर करते हो और क्वीन दे देते हो, वो भी राइट वे है नहीं क्योंकि अगले मूव के अंदर कुछ इस तरह चेकमेट हो जाएगी। इसीलिए इस पोजीशन के ऊपर मैग्नस कार्लसन ने बेस्ट डिफेंस सोर्सेस का इस्तेमाल किया और बिशप को E7 स्क्वायर के ऊपर लेकर गए। आपको पहली नज़र में लग रहा होगा कि सब कुछ डिफेंस हो चुका है, लेकिन सब कुछ नहीं डिफेंस हुआ है। आनंद जी ने इस नाइट से इस पॉन को कैप्चर किया। अगर आप इस पोजीशन के ऊपर बिशप से कैप्चर करते हो, फोर्स से करना ही पड़ेगा। आप लग रहा होगा कि इस बिशप का सपोर्ट व्हाइट ने कर लिया, लेकिन ये गलत है क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक की क्वीन दोनों थ्रेट को मीट कर रही है। पहली थ्रेट ये है कि रुक E1 और दूसरी थ्रेट है नाइट F6। उन्होंने वही किया, इस क्वीन को डिफ्लेक्ट किया, रुक E8, क्वीन से इस रुक को कैप्चर करना ही पड़ा। देन नाइट F6 चेक एंड मेट।